तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में जगत जी और अनीस कुरैशी जी हमारे साथ है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया कोर्स एडवांस एक्सेल 3 एमएस एक्सेस डेटाबेस। तो एमएस एक्सेस डेटाबेस में आने की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास डेटा लार्ज हो गई, कैलकुलेशन लार्ज हो गया, जिससे हमारा फाइल काफी हैंग हो रहा है। तो उन्हीं की सोल्यूशन को ढूंढने के लिए हम एक्सेस में आते हैं। तो मैं पहले ही इनको बता दिया कि एक्सेस जो है डेटाबेस स्टोरेज के लिए बना हुआ है, तो उसमें कैलकुलेशन एंड डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड थोड़ी सी कम जो है फीचर्स है। लेकिन अगर आप एक्सेल और एक्सेस को दोनों को मर्ज कर दें तो आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हो, जहां तक मेरा अनुमान है। तो हम चलिए बात करते हैं एक्सेस की। आपके सामने एक्सेस खुला हुआ है, सबसे पहले आप ब्लैंक डेटाबेस लेंगे, लेकिन ब्लैंक डेटाबेस से पहले आपको डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो जैसे कि अभी इन्होंने इनका जगत जी का फाइल हमने देखा, कहीं पर कई सारे फाइल्स, कई सारे शीट्स हैं। तो सबसे पहले हम छाटेंगे डेटा एंट्री वाली चीज कि हम डेटा एंट्री कैसे करते हैं। तो डेटा एंट्री में दो पार्ट होगा कि हम क्या डेटा अपलोड करते हैं, राइट, या डेटा मैन्युअली टाइपिंग करते हैं। दोनों में है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम पहले सबसे पहले हम बनाएंगे अपना डेटा टेबल। तो टेबल में आपको पहले डिसाइड करना होगा कि जो टेबल बनाना है, जैसे मान लीजिए मुझे जो टेबल बनाना है कि टेबल पे ही हमारी डेटा एंट्री होगी, मुझे टेबल बनाना है, एक सैलरी का टेबल बनाना है जिसमें हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय कोड होगा जो कि हमारा यूनिक है। यहाँ पे एम्प्लॉय कोड होगा। अब याद रखिएगा, जब भी एक्सेल का एक्सेस में डेटाबेस बनाएंगे तो आप अंडरस्कोर लगाएंगे, डॉट एक्सेप्ट नहीं करता। और नेम भी ऐसे, नेम में हमारे पास हो गया ईएमपी नेम कर देता हूँ। नेम में भी आपको सिर्फ नेम देंगे तो रिजर्व होता है उसका। डेट ऑफ हायरिंग, डेट भी सिर्फ नहीं चाहिए होता उसमें। उसके बाद उसकी सैलरी कितनी थी, उसका एचआरए कितना था, उसका बोनस कितना था। हाँ, एचआरए कितना था, बोनस भी देता हूँ, बोनस क्या। और ग्रॉस, फिर ईएसआई को काटना है, पीएफ को काटना है, ठीक है। और उसके बाद यहां में नेट, और किस मंथ की सैलरी है, मुझे ये चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि एम्प्लॉय कोड हमारा ऑटो जनरेट, एम्प्लॉय कोड हमारा क्या है, ये टैक्स नंबर है, जैसे कि F101 इस तरह से हो, ठीक है। नेम हमारा है, तो नेम में हम कैरेक्टर डिफाइन करेंगे कि नेम कितने कैरेक्टर का, 50 कैरेक्टर का होता है। डेट तो हमारा डेट ही है। सैलरी, एचआरए, बोनस, ये हमारा क्या है, नंबर एंट्री होगा, क्योंकि जब भी डेटा का प्रॉपर्टी भी जानना जरूरी होता है। ग्रॉस हमारा नंबर है बट कैलकुलेशन है, ईएसआई पीएफ भी हमारा कैलकुलेशन है, समझ गए। नेट पर भी कैलकुलेशन है, मंथ हमारा मैनुअल, ये आप डिसाइड कर लिए। अब चलिए हम इसकी टेबल क्रिएट करते हैं। ध्यान रखिएगा, टेबल को अच्छी तरह से, टेबल क्रिएट करने के बाद, डेटा एंट्री करने के बाद चेंजिंग इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। सो पहले कंफर्म हो लीजिए कि क्या आखिर क्या क्या है, आफ्टर दैन टेबल क्रिएशन करें। तो टेबल क्रिएशन में हम आते हैं, उससे पहले हमारा डेटाबेस होगा, हम यहाँ पे ईएमपी डेटा करके बनाता हूं और इसको क्रिएट करता हूं। यहाँ पे लोकेशन है, कहाँ क्रिएट होता है, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। और इस टेबल के ऊपर एक डिफॉल्ट टेबल आएगा, उसी के हम डिजाइन व्यू में चले जाते हैं। तो यहाँ पे टेबल बताएगा आपको, तो हमने एस डेटा कर दिया, सैलरी डेटा, टेबल का नाम दे दिया। अब टेबल का डिजाइन व्यू बनाएंगे, जिसमें आपका आईडी इज द, ये आपका क्या है, ऑटोमेटेड नंबर है, एक सीरियल नंबर जो होता है उस तरह से रखना है, रखिए नहीं रखना मत रखिए। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ईएमपी कोड, और ये हमारा टेक्स्ट होगा। Okay.
या लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है ना, शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट दोनों होता है। शॉर्ट टेक्स्ट 10 कैरेक्टर का होता है, लॉन्ग टेक्स्ट 50 होता है। ये लॉन्ग टेक्स्ट की लिमिटेशन नहीं होती है, शॉर्ट टेक्स्ट की लिमिटेशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं कितना होना चाहिए। 255 कैरेक्टर का दिया हुआ है, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है कैरेक्टर जो है हमारा फिल्म की साइज 255 नहीं होनी चाहिए, वो हमारा चाहिए 6। हमने 6 फिट कर दिया तो 6 डिजिट से ज्यादा नहीं लेगा। ईएमपी नेम विद शॉर्ट टेक्स्ट, उसके बाद एच डेट। अब एच डेट में क्या है हमारा, यहाँ पे हम डेट को सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे आता है सैलरी। सैलरी में हमारा नंबर होगा, और नंबर में क्या है, ये भी आप देखिए लॉन्ग इंटीजर है, डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझ गए। डेसिमल में करना है तो डेसिमल वगैरह भी यहाँ पे आपको डबल को लेना पड़ेगा, कि डेसिमल की लेना चाहते हैं। उसके बाद आपका एच आर ए नंबर से बोनस नंबर। अब अगला हमारा आता है ग्रॉस। अब ग्रॉस क्या है, कैलकुलेशन है। तो अगर यही पे मैं डिफाइन कर देता हूं कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए हमारा, तो कैलकुलेट में यहां पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड में क्या है आपका, सैलरी एचआरए बोनस को प्लस करना है। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट में आपको सबको प्लस करना पड़ेगा मैन्युअली। सैलरी प्लस एचआरए, समझ में आ रहा है सर आप लोगों को, हाँ जी सर, प्लस बोनस। स्पेलिंग सेम होना चाहिए, मतलब दिक्कत हो जाएगी। कर अब उसके बाद क्या है, ईएसआई है हमारा। ईएसआई ये भी कैलकुलेटेड है, हमारा सैलरी का मान लीजिए 6% है, तो मुझे यहाँ भी कैलकुलेटेड में जानना पड़ेगा और यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल करके सैलरी मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे 6% ऐसे लिखते हैं तो आई थिंक ये एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं किया ना। यहाँ पे आपको लिखना होगा इक्वल सैलरी का 100 डिवाइड बाय 6, 6 डिवाइड 100 मार्क कीजिएगा, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। उसमें स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, कौन सी ब्रैकेट 6 बाय 100 को स्क्वायर की जरूरत नहीं है। नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ फील्ड के लिए होता है। ओके ठीक है। और ऐसे ही पीएफ हमारा सैलरी के 12% मान लीजिए, तो कैलकुलेटेड में यहाँ पे आते हैं, सैलरी का 12 डिवाइड बाय 12। अब यहाँ पे नेट पे, अब नेट पे के लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेटेड में आना है और यहां पे हम करेंगे ग्रॉस। ग्रॉस माइनस यहाँ पे करना है बाय ब्रैकेट में ईएसआई प्लस पीए, ठीक है, एंड ओके कर दिया। उसके बाद मंथ, अब मंथ में सिर्फ जैन टाइप आप देना चाहते हैं,
एस मंथ, सैलरी मंथ, क्योंकि मंथ ऑलरेडी फॉर्मूला होता है इसलिए, तो यहाँ पे आप शॉर्ट टैक्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका टेबल बन गया, एक बार और ध्यान से देख लें। और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है कि आके एम्प्लॉय कोड क्या है, एम्प्लॉय कोड है इसको चाहते हैं कि यूनिक होना चाहिए, तो राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की कर दीजिए, ये आपका यूनिक की होता है, मतलब कि डुप्लीकेट एंट्री इसमें नहीं है। समझ गया? अब मैं इसको सेट, तो टेबल बनाना सबसे क्रिटिकल जॉब होता है। अब इसकी एंट्री की बात करें तो इसकी एंट्री हम तीन तरह से इसमें डेटा डाल सकते हैं। पहला कि आप इसकी एंट्री कर दें, जैसे कि मैंने डाल दिया F100, एम्प्लॉय नेम हमने डाला पूजा, हमने यहाँ पे हायर डेट हमने अपने हिसाब से डाल दिया, इसकी सैलरी मान लीजिए मैं डालता हूँ 30,000, इसका HRM मैं डालता हूँ मान लीजिए 11,000, इसका बोनस 6,500, तो ग्रॉस पे ये आ गया ना सर 47,500, PF 1800 है, ESI 1800 है, PF 1500, नेट पे इसकी 42,100 है, और मंथ में यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, मंथ में मैं बोला कि मान लीजिए अक्टूबर का चल, एक एंट्री इसकी ऐसी होगी, राइट सर? सर दूसरा इधर एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ वो खोलिए, अभी एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं कि सैलरी डाला, एचआरए डाला, बोनस, ग्रोस, ईएसआई, पीएफ, वो तो ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड है, तो वो पर्टिकुलर पूरी कॉलम को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि उस पे कर्सर जा ही ना सके। हाँ तो हम बताते हैं ना तरीका, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है। हाँ इसके लिए फिर आपको इसके डिजाइन मोड पे जाना पड़ेगा। नहीं इसको देखिए ये बता रहा हूँ कि जब आप इसको टेबल खोल के देंगे तो टेबल में तो हर चीज कर सकता है, समझ रहे हैं बात को आप? टेबल में जब टेबल कैलकुलेशन है तो इसका फॉर्म है डेसिमल कैप्शन अलाइनमेंट, तो टेबल आपने खोल के दिया तो सब कुछ कर सकता है, समझ गए? तो हम उसको टेबल नहीं देंगे, तो दूसरा तरीका हमारा है फॉर्म का, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे फॉर्म, ध्यान रखिएगा ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हम इसकी, अभी तो सिंपल फॉर्म बता रहा हूं, हम एक डिजाइनिंग फॉर्म बना रहे, फॉर्म बन गया हमारा। अब इसमें जो है हमारा ग्रॉस हमारा कैलकुलेटेड है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी शीट पे जाऊंगा और इसमें आप देखेंगे अनेबल दिखेगा इसमें इवेंट नहीं डेटा अनेबल अनेबल यस है ना, इसको नो कर ठीक है, ईएसआई को भी मैं नो कर देता हूँ, पीएफ भी हमारा नो हो जाता है और ए भी हमारा नो हो जाता है, हो गया। तो डेटा एंट्री हम टेबल में उसको क्यों करने देंगे, टेबल तो हमारा एडिट मोड हो गया ना, अब इस पे अपने हिसाब से कुछ लिखना है लिख दीजिए, कुछ करना है कर दीजिए, फॉर्मेटेड बताऊंगा फॉर्मेटेड भी हो सकता है लेकिन हमने नॉर्मल दे दिया, हमने इस डेटा से। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज है, राइट क्लिक करके मैं इसकी व्यू प्रॉपर्टीज में आता हूँ फॉर्म की, अब जो एंट्री होगा इस तरह से होगा, यहाँ पे हम बटन्स वगैरह भी बनाएंगे आगे चल के, जैसे नई एंट्री पे क्लिक करते हैं तो एम्प्लॉय कोड में आप लिखता हूँ यहाँ पे कि F1001 ठीक है, यहाँ पे नाम देता हूँ मान लीजिए पुनीत, डेट हम देते हैं यहाँ पे कुछ और, अब यहाँ पे सैलरी में देता हूँ 65,000, एचआरए में देता हूँ इसकी 4,200, बोनस 1,200, तो बाकी देख रहे कर्सर जा रहा है उस पर नहीं जा रहा है ना, एंट्री होगी आपकी न्यू करते हैं, यहाँ देखिए इस डेटा में आगे एंट्री सर, तो यहाँ फॉर्म देंगे फॉर्म ए इसको बोलते हैं इंटरफेस, इंटरफेस देंगे एंट्री कर देंगे, इंटरफेस के भी कई तरीके होंगे, ये तो सिंपल तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है। ये दूसरा तरीका, तीसरा हमारा आता है डेटा इंपोर्ट,
ठीक है, जैसे डेटा इंपोर्ट कर रहा राइट सर, ये डेटा मैं बना देता हूं, बाकी तो ये अपने आप आ जाएगा ना, इसको डिलीट कर देते हैं या रख भी सकते हैं, मैं डिलीट करूंगा ठीक है। और मंथ में हमने दे दिया जन, अब मुझे इसको अपलोड करना है और मैंने इसको सेव कर दिया मान लीजिए डेस्कटॉप पे जैन के नाम से। अब मुझे मेरे पास मुझे अब क्या कि इसको एक एक करके टाइप करेंगे तो काफी टाइम निकल जाएगा ना, तो इसमें पहला एक तरीका है कि आप इसको इंपोर्ट करें यहां एक्सटर्नल डेटा सोर्स से, यहां पे आता है आपका फ्रॉम फाइल, इसमें हमने एक्सेल को सिलेक्ट कर, इसके बाद इसमें हम पहले फाइल को सिलेक्ट करेंगे, इसमें जैन को सिलेक्ट कर लिया हमने, इसमें तीन ऑप्शन है इंपोर्ट सोर्स डेटा, तो क्या करेगा उसको कॉपी करके एक नया सीट पे पेस्ट कर देगा, नया टेबल, एक नया टेबल क्रिएट कर देगा एज पर एक्सेल डेटा, समझ गए। अब फिर पहले से मेरे पास एस डेटा है उसी में वो नीचे जाके पेस्ट कर देगा, लिंक एक्सेल के सीट पे लिंक कर देगा, जैसे एक्सेल पे चेंज होगा तो यहां भी चेंज हो जाएगा। इन सब चीजों के हम बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अपेंड को समझते हैं ओके। हमारा फर्स्ट अपने आप आ गया हेडिंग नेक्स्ट एंड फिनिश। हाँ यहां पे देखिए ई कोड डॉट नॉट एग्जिस्ट, इसमें एक दिक्कत होगी क्योंकि कॉलम नेम सेम होना चाहिए तभी इंपोर्ट होगा। ये हमारा इंप्लॉई की कोड नहीं है, इंप्लॉई कोड है हमारा, तो ये चीज हम एक्सेल में अपडेट कर देता हूं, हमने गलती कर दी थी। इंप्लॉई कोड एमपी नेम एज डेट सैलरी एचआरए बोनस एंड मंथ, यहां देखिए एस मंथ है ना, अब सेव कर देता हूं, मैं भूल गया, मैं गलती कर गया था थोड़ा सा, अब मैं करता हूं इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सेल, फाइल को सिलेक्ट किया जैन, अपेंड एस डेटा ओके नेक्स्ट एंड फिनिश। अब क्या है इंपोर्ट आपको बार बार करनी पड़ती है, हाँ तो आप इसको सेव कर दीजिए सेव इंपोर्ट, तो अब अगले बार से आपको फाइल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट हो गया सर। तो अगली बार मुझे इंपोर्ट करना होगा तो आपका फाइल सेम होना चाहिए, आप यहां पे सेव इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इसको रन कर देंगे, कोई फाइल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली एक क्लिक पे डेटा को इंपोर्ट करते हैं, जैसे देख लिया ठीक है। अब देखिए यहां पे एक डबल बार हो गया इंपोर्ट,
ठीक है, डबल वर्ड नहीं हुआ ना, डबल वर्ड ना होने के पीछे रीजन है कि ये हमारा यूनिक आईडी है, एक नाम के दो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, इसलिए उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा, नाम से अगर मैं तो यूनिक नेम उसको कैसे किया आपने राइट क्लिक करके? जब मैंने, हाँ, जब मैं डिजाइन कर रहा था उसी समय मैं राइट क्लिक करके इसको सेट प्राइमरी कर, प्राइमरी की मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा। क्लियर है? नहीं सर, प्राइमरी की मतलब यूनिक आईडी। सर आवाज कट रही है। यूनिक आईडी सर। अच्छा ओके, हाँ ठीक है। ये हमारा था बेसिक टेबल क्रिएशन, आप डेटा हैंडलिंग कैसे डेटा को हैंडल करो। दूसरी चीज एक हो गई, हम डेटा को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, समझ गया ना, कि मुझे इतना टाइम नहीं है टेबल बनाने का, ना टाइम है मुझे इंपोर्ट करने का, मेरे पास एक्सेल फाइल खुली है, मैं इसे कॉपी कर, डेटा कॉपी कीजिए, नया टेबल आपने यहाँ पे बनाया हुआ है उसको सिलेक्ट कीजिए एंड पेस्ट कर दीजिए। कॉपी किया, इसमें क्या पेस्ट, लेकिन एक चीज का ध्यान आप जरूर रखेंगे, आप पहली कॉलम पेस्ट नहीं होगी तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि मैं एक बार टेबल क्रिएट करता हूं कि आप डेटा सेलेक्ट करते समय एक कॉलम, पहला कॉलम को ब्लैंक रखें और फिर कॉपी करें। सर समझा नहीं, क्या ये? इसमें जब आप पेस्ट करेंगे ना, जब भी आप कॉपी एक्सेल से डेटा पेस्ट करेंगे तो आपकी पहली कॉलम पेस्ट होगी, यहाँ पे देखें एम्प्लॉय को पेस्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, आप क्या करेंगे कि एक यहाँ पे एक कॉलम को इंसर्ट करके आप एक ब्लैंक कॉलम कॉपी कर लेंगे इस तरह से, उसके बाद आप जो है सिलेक्ट कीजिए और पेस्ट कर, पेस्ट। अब आ गया सर एम्प्लॉय को, ओके। लेकिन ध्यान रखिएगा जो टेबल जनरेट हुआ इसके जो डेटा टाइप डिफाइन हुए हैं एज पर योर एक्सेल सीट का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग, नंबर था तो नंबर कर दिया, डेट था तो डेट कर दिया। हाँ सर, अभी ये तो आपने कॉपी किया नए टेबल में, पुराने टेबल में कर सकते कॉपी, आप क्या दिक्कत है, पुराने टेबल में कॉपी, पुराने उसमें नहीं कर सकते, आने पे हाँ उसी तरह से। इसमें नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं, देख लेते हैं इसमें कर सकते हैं, लेकिन मुझे, मैंने इसमें ब्लैंक सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और हमने जो मंथ सेलेक्ट कर लिया ना, मंथ इसमें डुप्लीकेट आ रहा है ना, इसलिए एक मिनट में 17 से डुप्लीकेट सिंपल इसमें कॉपी कीजिए, सेलेक्ट किया एंड
एक मिनट, पहला इसमें पहला आपका पेज नहीं होता और ये डुप्लीकेट कारण ऐसा हो गया, मुझे इसको डिलीट करना है, सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब मैं सिलेक्ट यहाँ पे एक ब्लैंक लेता हूँ, तो जैन नहीं रह रहा इसमें, तो सीक्वेंस भी मेंटेन करना है, ठीक है। आप सही है, ठीक है ना सर। एक ब्लैंक को लीजिए और सीक्वेंस, हमने जैन नहीं लिया, क्यों नहीं जैन लिया, क्योंकि फिर जैन यहां पे था ना, इसलिए ठीक है। वापस जैन को भी पेस्ट करना है, तो जैन को सिलेक्ट करूंगा मैं यहां से, कॉपी करूंगा और यहां पेस्ट करूंगा, जो सिलेक्ट करके इस तरह से, ठीक है। ठीक है, तो आप एक इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट बैच का मेरा टाइम हो गया है, तो माफी चाहूंगा, मिलते हैं कल सेम टाइम सर। कल मॉर्निंग में होगा बैच या ये सेम टाइम? अगर आप 12:30 बजे ले सकते हैं, 12:30 बजे ले लीजिए, क्या दिक्कत है। सेम टाइम 12:30।